हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है पीका कार्ड रीडिंग, ठीक है। सुबह सुबह हम पीका कार्ड रीडिंग करते हैं, तो पीका कार्ड रीडिंग में हम आज देखने वाले हैं कि आज सुबह उनके दिल में क्या चल रहा था, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक यही है, आज सुबह उनके दिल में क्या चल रहा था। और ये पीका कार्ड रीडिंग है। पीका कार्ड आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, आप उनके बारे में सोचो, उनके बारे में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव फील करो, ठीक है। और पॉजिटिव फील करके इन दोनों कार्ड्स को देखो, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड की जो है रीडिंग देखनी है आपको। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जो है सीधे अपनी रीडिंग पे आ सकते हैं। चलिए दिखाते हूँ मैं आपको कार्ड। ये है पीक अ कार्ड का पहला कार्ड, जो कि फोकस करती हूँ, एट ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है ये, ओके। ये है दूसरा, आप लोग देख सकते हैं कार्ड को। सो ये दोनों कार्ड मैंने रखे हैं। तो आप दोनों नहीं, मतलब आप सब दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए और सीधे टाइम स्टैम्प पे मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो पाइल नंबर वन, चलिए देखते हैं कि आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा था आज सुबह सुबह, ठीक है। तो चलिए कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ, देखते हैं कि आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा था। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे गाइड करें एंजल्स, उनके दिल में क्या चल रहा था इनके लिए, ओके ओके। गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा था आज सुबह सुबह। Two of Wands, Knight of Swords, Death and Rebirth, Nine of Wands, The Empress, Strength, Magician, and मेरे पास The Fool की energy. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आज सुबह सुबह सबसे पहले जब इनकी आंखें खुली है तो इनको बहुत 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 ज़्यादा याद आई है आपकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ बातें ऐसी जो कि भुला पाना बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है, या कहें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है ना, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए आज सुबह सुबह काफ़ी कुछ थॉट्स रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो कि पेन की बात करता है, पेन होता है आपके पार्टनर को और हुआ है आज सुबह सुबह। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आपसे बिछड़ने के दुख में ये पर्सन काफ़ी परेशान है। एक तरफ इनके फाइनेंस, इनके करियर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, साथ ही साथ इनका नाइन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इनको डर लग रहा है, ठीक है। इनको डर लग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करने में। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, आपसे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सवालों के जवाब ये पर्सन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो भी किया है बिना सोचे समझे किया है। इस पर्सन ने ना आगे का देखा ना पीछे का देखा, जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो कर दिया, ठीक।
आपके साथ अपने रिश्ते को मतलब आगे का फ्यूचर न देखते हुए इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर लिया है जिसकी वजह से आज ये पर्सन आपके सामने आने से भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं ये पर्सन। इनके दिल में, दिमाग में आपके लिए जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों बने तो एक दूसरे के लिए हो, लेकिन मतलब एक स्ट्रेंथ नहीं है आपके पार्टनर के अंदर अभी फ़िलहाल। आज सुबह सुबह जिस भी प्रकार से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है उसको देखते हुए आपके पार्टनर का जो है, आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है कि पर्सन जो है आपसे बात करे और आपसे अपने दिल की भावनाएं कहें, आपसे अपने मन की बातें कहें। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, एक तरीके का जो कहते हैं ना कि कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि स्टार्टिंग करना चाहते हैं ये पर्सन। एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी एनर्जी के साथ जो है ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं ना, कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। एक जो होता है ना कि प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस, प्यार भरे चीज़ें है ना करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको पाकर एक जो कहते हैं ना कि जीवन की हर खुशी पा लेना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन सेपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, सेपरेट होना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि सेपरेशन जो है ना आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, सेपरेशन आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेपरेशन जो है क्या कुछ जो है ना इनको सिखा के जा रहा है। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से, सही ढंग से संभालना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि सही ढंग से संभालने की चाहत इनके अंदर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि एक होता है ना कि आपके तरफ आने के लिए बहुत कुछ इनको करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना पड़ेगा आपके सामने। ये पर्सन आ तो जाएंगे लेकिन आ करके अपने आप को संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल हैं। ठीक है, और आपके सामने ये पर्सन जो है ना ये रीज़न देंगे, उन रीज़न्स को तो आप सुनने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि ये रीज़न्स जो है ना आपको बिल्कुल भी जो है ना पसंद नहीं है, कि जो एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं, खुद को प्रिटेंड करते रहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि अरे यार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, अपने तरफ से कोई एक्शन, कोई डिसीज़न ना ले करके मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, वही ज़्यादा अच्छा है, इंतज़ार कर लो वही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी भी है, सो एम्प्रेस की भी एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है कि यस, आपके पार्टनर को जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो एक होता है ना कि इकरार, और फिर से दोनों का आना, फिर से दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना, दोनों का एक दूसरे के साथ मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना, सब वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर है मुझे दिख रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ ये पर्सन मन ही मन में मान चुके हैं। इनके दिल में है कि आपको अपना बनाया जाए, लेकिन कैसे, अभी तो फिलहाल इन्होंने गलती करी है, इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, या इन्होंने आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दिया इस पर्सन ने। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो है कि अरे यार मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दिल दिमाग में ये सारी चीज़ें रही हैं, रिग्रेट फीलिंग्स रही हैं, अपने जो बेवकूफ़ियाँ हैं उसको ये पर्सन नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ये पर्सन चालाकियाँ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मुझे चालाकियाँ अब करनी पड़ेंगी, बेवकूफ़ी तो कर दी मैंने तो अब चालाकी भी करनी पड़ेगी। तो यस यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इस पर्सन को आगे बढ़ना होगा, इस पर्सन को थोड़ा सा
जो एक पॉजिटिव वे में जो है ना चीज़ें लेनी होगी। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जो एक रिस्पॉन्स है ना, वो जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। ठीक, डिटेल रीडिंग हम बाद में देखेंगे, शॉर्ट रीडिंग है ये। तो पाइल नंबर 1 ये रही आपकी रीडिंग। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और हो सके तो लास्ट में देखिएगा, एक वीडियो आप सबके लिए स्पेशल वीडियो वो बनाई गई है, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? सो चलिए पाइल नंबर 2, आपने ये कार्ड चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अकेलापन फील हो रहा है, काफ़ी अकेलेपन में हो आप। ठीक है, काफ़ी याद आ रही है आपको अपने पार्टनर की, अपने कनेक्शन की, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील हो रहा है आपको। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपके दिल में जहन में बस गया है, और इस पर्सन को बुलाने को आप तैयार नहीं हो। बहुत प्यार करते हो आप इस पर्सन से, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तभी आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी है, और आपकी लाइफ में आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया है। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करके तब जाके जो है आप जिस मकाम पे पहुँचे हो, वो एक्सपीरियंस के तौर पे ही दिख रहा है मुझे। ओके, सो चलिए देखते हैं और आपके लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा था आज पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग में प्लीज़। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर, हर्मिट का कार्ड, एंड मेरे पास है जस्टिस की एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास ओफो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइल नंबर 1 वालों के लिए भी यही सेम आया था बॉटम ऑफ द डेक, और आपके लिए भी यही आया है, यानी कि आप दोनों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, मतलब पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी और पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी, आज सुबह सुबह इनके दिल में कुछ पुरानी यादें बहुत ज़्यादा आ रही थी, कुछ पुरानी बातें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ पुरानी यादों का बड़ा तालमेल है, मतलब एक जो होता है ना कि एक तरफ कोई एक इंसान सो नहीं पा रहा है और दूसरा इंसान चैन की नींद सो रहा है, ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप भी कई कई रातों नहीं सो पाते हो, आपको भी तकलीफ़ होती है, पेन होता है, एकदम से लगता है कि मतलब कि क्या ही करें, मूव ऑन कर जाएं कि क्या करें, ये वाली फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा था आज सुबह सुबह? देखिए, आपके पार्टनर जो है एक तो काफ़ी फायरी एनर्जी में है, यानी कि इनके अंदर जो है पैशन काफ़ी ज़्यादा है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, रूड नेचर है, अपने गोल के प्रति काफ़ी फोकस है अभी। ठीक है, अपने गोल को पाना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल के दौरान से आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपका और इनका रिलेशन रहा है अभी तक, अपनी जर्नी को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक एनर्जी से याद कर रहे हैं कि यार कैसे दिन थे वो, कैसी रातें थी, कैसे हम बातें किया करते थे, कैसे सारी चीज़ें हुआ करती थी आप दोनों के बीच में। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आप दोनों कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के काफ़ी फोकस रहे। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी, आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एक तरफ काफ़ी सैड सी एनर्जी में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी पेन झेल रहे हैं ये पर्सन। इनको लग रहा है कि अरे यार क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में, है ना,
क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ें मेरे साथ ही होनी थी क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। आपके पार्टनर के दिल में जो भावनाएं हैं ना, ये भावनाएं कहीं ज़्यादा, एक जो कहते हैं ना कि मतलब हार कर थक कर इंसान कुछ नहीं कर पाता है तो क्या सोचता है कि चल यार अब कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी दिल नहीं लग रहा है आपके बगैर। ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए, जिस तरीके से आप अकेले हो गए, हर्मिट का कार्ड, यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है। जिस तरीके से आपको अकेलापन फील हो रहा है ना, आपके पार्टनर को भी सेम अकेलापन फील हो रहा है। आपके पार्टनर भी उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने आप को कैसे ये पर्सन आपके तरफ शिफ्ट करेंगे, इनको खुद को कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत डीप एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में जो भी चलता है ना, बहुत डीप लेवल पे चलता है, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे। ऐसा लगता है जैसे कि अगर कोई बात इनके दिल में लगी है, अगर कोई बात इनको बुरी लगी है, सो ये पर्सन रात भर सोचते रह जाते हैं, रात भर सोचते रह जाते हैं कि क्या ही करो, क्या ही करो, कैसे करो, कैसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल में जो है ना आपसे प्यार करते हैं। यहाँ ये पर्सन अपने आप को संभालते हैं, ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन अपने आप को संभाल रहे हैं। इनके दिल में यहाँ पे आपके लिए मतलब अपार प्यार है, मतलब प्यार ही प्यार है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कोई रिस्पॉन्स ना आना या आपसे उम्मीद टूट जाना, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपसे इस पर्सन ने कुछ उम्मीद की थी, वो उम्मीद टूट गई है और उसी की वजह से ये पर्सन सोच में खोए हुए हैं। और इनको भी रात को नींद नहीं आ रही है, इनको भी जो है वो चैन से जो सोना कहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। भले ही ये पर्सन मोबाइल साइड रख दे, साइलेंट कर दे, आप यहाँ से कॉल पे कॉल करो, उनका कोई रिस्पांस नहीं आए, ये अलग की बात है, लेकिन ये पर्सन जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, इनको इनके दिल दिमाग में ये ज़रूर चल रहा है कि आपका बहुत ही कोल्ड बिहेवियर देखने को इनको मिल रहा है। सो इसका मतलब ये है कि अभी आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी बात करना, क्या बात करना, आपको इन्हीं सारी चीज़ों को लग रहा है कि अरे यार क्या बात करना है इससे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। थोड़ा सा एक होता है ना कि लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम के साथ जो है डील करना, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, अधूरापन है। अधूरेपन में जो है ना लाइफ एकदम से कटती चली जा रही है, मतलब अधूरापन इतना ज़्यादा है कि वो अधूरापन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी क्लियर बता रहा है कि देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, जो कनेक्शन कहीं ना कहीं इन्होंने बुलाने की कोशिश करी है, लेकिन इनके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन उस रिलेशनशिप को भुला नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन जो है ना कभी भुला नहीं पाएंगे आपको, जीवन भर जो है ये पर्सन नहीं भुला पाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप मुझसे जुड़ सको, अपने जो भी है मन में, जो भी चीज़ें हैं आप उनको क्लियर कर सको इस रीडिंग के दौरान से। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, टैरो क्लासेस के बारे में, तो इसके बाद वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है कि टैरो कार्ड में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल 777 टैरो विद रोही पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टैरो क्लास के बारे में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा टैरो क्लास का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं टैरो की क्लासेस देती हूँ आप सबको, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम इस टैरो की क्लास में क्या कुछ सीखने वाले हैं, दीदी हमें बताओ। तो इस टैरो की क्लास में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं टैरो का हिस्ट्री, यानी कि टैरो कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुई, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम डीप लेवल पे देखेंगे। टैरो कार्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, टैरो कार्ड का एक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक। इस जो है टैरो कार्ड में क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, अलग अलग इमेजेस होते हैं, उन इमेजेस के पीछे क्या मीनिंग है और कितना डीप लेवल का बताते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ हम अपने टैरो क्लास में कार्ड को कैसे प्रिपेयर करते हैं रीडिंग करने के लिए, ये भी हम देखेंगे। कार्ड को हम जब मंगाते हैं, खरीदते हैं, अब हम उसको एनर्जाइज कैसे करेंगे, कैसे हम जो है उसको ऐसा बनाएंगे जिससे जो है हमारा टैरो कार्ड रीडिंग हो सकेगा और परफेक्ट एकदम एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकलेगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम जो है रीडिंग को कैसे दे सकते हैं, कैसे हम अपनी रीडिंग कर सकते हैं, अपनी क्लाइंट की रीडिंग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। मेजर अरकानास क्या होते हैं, माइनर अरकानास क्या होते हैं, मेजर अरकानास क्यों होते हैं, माइनर अरकानास क्यों होते हैं, इन लोगों के मीनिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि एक टैरो कार्ड डेक में 78 कार्ड्स होते हैं और इन 78 कार्ड्स में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि 22 मेजर अरकानास होते हैं। तो मेजर अरकानास क्यों टैरो कार्ड में है, ठीक है, क्यों बनाया गया है और इन मेजर अरकाना का यूज़ कहाँ होता है, किस लिए होता है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ पॉपुलर टैरोट एक्सपर्ट्स देखेंगे, यानी कि जो टैरो कार्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है ना, तो अलग अलग तरीके की जो है ना एक्सपर्ट्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे सिम्बल्स और उनके वर्ड्स क्या होते हैं, कि टैरो कार्ड में अलग अलग तरीके के सिंबल्स को यूज़ किया गया है, उन सिंबल्स को जो है ना हम अलग से रीड करेंगे, ठीक है, उनको हम अलग से रीड करेंगे सिंबल्स को, ठीक। साथ ही साथ टैरो के कलर्स, टैरो के साइन, टैरो जनरल और हाउ टू फ्रेम एंड गाइडिंग क्लाइंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है क्लाइंट हमारा, उसके हम रीडिंग कैसे करते हैं परफेक्ट तरीके से, ये हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं। सो आपकी क्लास बहुत ही एनर्जेटिक क्लास रहेगी और इतना अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा कि आप दूर बैठे क्लाइंट की भी रीडिंग कर सकते हैं और सामने बैठे क्लाइंट की भी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टैरो डेक में, टैरो कार्ड रीडिंग में हम लोग यही सिखाने वाले हैं। तो आई होप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोग ज़रूर 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 सीखने की प्रयास कीजिए, क्योंकि ये टैरो कार्ड काफ़ी अच्छे होते हैं और हमारे ज़िंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और लाइफ हमारी बहुत 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 अच्छे तरीके से चल सकती है अगर हम इन टैरो कार्ड्स का रोज़ यूज़ करने लगे अपने लिए, ठीक है, इनसे गाइडेंस मांगने लगे, इनसे हम अपना कनेक्शन बना लें, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब जो है सीखने में इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं फटाफट स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग कंफर्म करवाइए, अपने टैरो क्लास की जो डिटेल्स हैं वो लीजिए, आपकी क्लासेस कब होंगी, ऑनलाइन होंगी, ठीक है, ऑफलाइन होंगी। देखो कोई भी क्लास है, मेरे टैरो की क्लास है, मैं आपको ऑनलाइन ही क्लास करवाऊंगी, एक वीडियो के थ्रू क्लास आपको दिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो के थ्रू हमारा क्लास होगा, वीडियो का लिंक दिया जाएगा आपको, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है और आप उस जो है क्लास में एंटर करेंगे। पर डे आपको लिंक दिया जाएगा, संडे को जो है सबकी छुट्टी होती है तो हमारी भी छुट्टी रहेगी, और आपके लिए एक खास बात ये है कि आप के मन में जब भी कोई क्वेश्चन आता है टैरो से रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी इस कार्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये कार्ड मैंने उठाया और इस कार्ड का मतलब क्या हुआ दीदी, तो ये जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कार्ड है इसका मतलब क्या हो गया,
ठीक है, साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर क्लास में एंटर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे और बहुत एनर्जी के साथ सीखेंगे। मैं आपको बताऊँगी मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन करना है आपको, क्या करना है, हम टैरो कार्ड से रिश्ता कैसे बनाएंगे, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, दिन हो रात हो कभी भी आप बस एक मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और वहीं पे मैं आपको गाइड करूँगी पर्सनली कि आप कार्ड को ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे। ठीक है, तो आपकी टैरोट जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगी। आप लोग ज़रूर ज़रूर, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं एकदम से कोर्स को एनरोल कीजिए, बहुत ही कम फी में जो है ना ये कोर्स को करवाया जा रहा है। ये जो कोर्स है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आप जहाँ भी हैं जहाँ भी हैं आप वहाँ से ये कोर्स को आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो चाहे आप इंडिया में हैं चाहे आप इंडिया के बाहर हैं, आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को और आज ही इनरोल कीजिए। लिमिटेड सीट्स होती हैं तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए फिर अब मिलते हैं रीडिंग में हम अपने। ठीक है, तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी से इनरोल कर लीजिए कोर्स को, सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। बाय बाय।